नमस्ते, सभी को नमस्कार। अब हम पिछले वीडियो में मैंने आपको वर्ब के बारे में, उसकी भाग, उसके अंदर क्या क्या है, सब के बारे में विस्तृत रूप से बताया था। अब यहाँ पर हमारे पास प्रश्नावली जो 15 है, उसके प्रश्न चलेंगे और किस प्रकार के प्रश्न आएंगे उसके बारे में अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हमारे पास उदाहरण एक है, जिसमें क्या है कि निम्नलिखित वृत्तों की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए, जबकि वर्ग की परिधि कितनी है, 132 सेमी, वर्ग की परिधि 176 सेमी। वृत्तों की त्रिज्याएं ज्ञात करनी है। यहां पर उदाहरण ए, वर्ग की क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या, और वर्ग की क्या ज्ञात करना है, परिधि। वर्ग की परिधि हमारे पास दी हुई है 132 सेमी, हमें वर्ग की त्रिज्या ज्ञात करनी है। वर्ग की त्रिज्या ज्ञात करनी है कि त्रिज्या किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर सीधा सी बात है, ये ध्यान रखना, जब किसी आकृति का क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन, चाहे कुछ भी दे रखा है और उसकी किसी एक विमा की माप पूछता है, तो हमेशा जो हमारे पास प्रश्न में दिया हुआ है, परिधि दे रखा है तो परिधि का सूत्र, क्षेत्रफल दे रखा है तो क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, आयतन दे रखा है तो आयतन का सूत्र लगा करके हम उस विमा को ज्ञात कर सकते हैं जो हमें प्रश्न में पूछ रहा है। तो यहां पर वर्ग की परिधि दे रखा है, यहां प्रश्न में कि वर्ग की परिधि कितनी है, 132 सेमी है और वर्ग की हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो सीधा सा है, वर्ग की परिधि का सूत्र लगाएंगे तो वर्ग की परिधि बराबर 2πr। वर्ग की परिधि का सूत्र क्या है, 2πr, इसलिए 2πr बराबर 132। 2πr बराबर क्या है, 132। यहां मान स्थापित करेंगे 2 की जगह 2, पाई का मान हमारे पास कितना होता है, 22/7 या 3.14। अगर प्रश्न में 3.14 दे रखा है तो 3.14 रखेंगे, वरना 22/7 रखना है। और ये हमारे पास r बराबर 132/1, 22 गुना 44 r/7 बराबर 132/1। अब क्या करेंगे, इसमें वज्र गुणा, तो वज्र गुणन से हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 44r/132/7 और r/132/7 अपॉन 44, काट लो 22 गुना 44, 22 गुना 132, r/7 42/2, r का मान हमारे पास हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर वर्ग की परिधि 132 सेमी है तो उस वर्ग की त्रिज्या कितनी होगी, 21 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन दूसरा, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 मीटर है। तो यहाँ पर वर्ग की त्रिज्या हमारे पास दी हुई है 7 मीटर और वर्ग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो सीधा सा है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर 22/7 × 7² 22/7 × 7 × 7, 7 से 7 कट गया, 22/7 = 154 वर्ग सेमी। क्षेत्रफल की जो
11 किलोमीटर। अब हमें प्रश्न में पूछ रहा है कि पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए, त्रिज्या ज्ञात कीजिए, पहले फिर उसके बाद वृत्त का व्यास ज्ञात करना है। तो 5000 चक्रों में पहिए द्वारा तय दूरी 11 किलोमीटर है। तो सबसे पहले सीधा सा बात है कि परिधि, परिधि किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया था कि किसी वृत्त के चारों ओर एक चक्कर में तय की गई दूरी वृत्त की परिधि कहलाती है। वृत्त के चारों ओर जब एक चक्कर पूरा एक राउंड लगा दे तो क्या आ जाएगा? वृत्त की परिधि आ जाएगी। तो यहां पर 5000 चक्कर हैं। कितने चक्कर हैं? 5000 चक्कर हैं। और 5000 चक्रों में पहिए द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 11 किलोमीटर है। तो सबसे पहले हमें एक चक्कर में तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। तो यहां पर किलोमीटर को आप मीटर में बदल सकते हैं। एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो 11 किलोमीटर में कितने हजार मीटर होंगे? 11000 मीटर होंगे। तो पहले हमें एक चक्कर में तय दूरी ज्ञात करनी है। एक चक्कर में तय दूरी तो कितना आ जाएगा बेटा? 11000 में किसका भाग देंगे आप? 5000 का भाग देंगे। तो ये जीरो से जीरो कट गया, 11/5 मीटर। अब है ये जो 11/5 मीटर है ये क्या होगी? ये 11/5 मीटर हमारे पास क्या होगी? एक चक्कर में तय की गई दूरी, और एक चक्कर में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि कहते हैं। इसलिए यहां पर वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी? 11/5 मीटर। अब हमारे पास परिधि आ गई। परिधि कितनी आ गई? 11/5 मीटर। तो अब हम परिधि के द्वारा वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करेंगे, और त्रिज्या ज्ञात करने के बाद वृत्त का चाहे क्षेत्रफल पूछे चाहे व्यास पूछे वो सब ज्ञात कर लेंगे। तो यहां पर 2πr बराबर 11/5, 2×22/7 r बराबर 11/5, इसके बाद 22×44/7 बराबर 11/5। क्या करेंगे? वज्र गुणा, और वज्र गुणा जब करेंगे तो हमारे पास 44×5 बराबर 11×7, और r बराबर 11×7/44×5, 11 × 11 = 44, r बराबर 7/5 = 20 मीटर। ये हमारे पास क्या गई? त्रिज्या। अब हमें प्रश्न में पूछ रहा है व्यास, तो व्यास कितना हो जाएगा? व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, तो 2×7/20, 2×1 = 2, 2×2 = 20, 7/10 मीटर। अब मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, तो 7/10×100, 10 × 0 = 0 कट गया, 10×7 = 70 सेंटीमीटर वृत्त का क्या होगा? व्यास। 100 से गुणा करती है क्योंकि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसलिए यहां पर वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा? 7/10×100 यानी कि 70 सेंटीमीटर होगा। समझ में आ गया? सबसे पहले 5000 चक्रों में तय की गई दूरी कितनी है? 11 किलोमीटर।
हजार मीटर हो जाएगा क्योंकि एक किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। उसके बाद एक चक्कर में तय की गई दूरी हम ज्ञात करेंगे तो एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी 11000 मीटर में इसका भाग देंगे अपन 5000 का तो ये हो जाएगा 11/5 मीटर। अब ये एक चक्कर में तय की गई दूरी को मैंने आपको बताया था परिभाषा में पिछले वीडियो में कि एक चक्कर में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं वृत्त की परिधि कहते हैं। तो यहां पर एक चक्कर में जितनी दूरी आई है ये क्या होगी वृत्त की परिधि होगी और इस परिधि के द्वारा वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो यहां पर परिधि का सूत्र लगाएंगे 2πr बराबर 11/5 क्योंकि एक चक्कर की दूरी कितनी है 11/5। मान रखने पर r का मान हमारे पास कितना आएगा 7/20 मीटर और जब हम व्यास ज्ञात करेंगे तो 7/20 का क्या होगा ये दुगना होगा 7/20 का क्या होगा दुगना तो 7/10 मीटर क्या होगा इसका व्यास और व्यास मीटर को सेंटीमीटर में बदल लो चाहे यही छोड़ दो हमारा बिल्कुल क्या है राइट है तो व्यास कितना जाएगा 70 सेंटीमीटर होगा। समझ में आ गया। इसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न वाला 15.1 क्या चलेगा 15.1 प्रश्नमाला या प्रश्नावली 15.1 पहला क्वेश्चन क्या है एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेमी है वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सीधा सरल सूत्र लगाएंगे वृत्त की त्रिज्या कितनी का है r बराबर 3.5 सेंटीमीटर r बराबर कितना है 3.5 सेंटीमीटर। परिधि ज्ञात करेंगे परिधि बराबर क्या होगा 2πr 2×22/7×3.5 3.5 में भाग देंगे 7 × 7 7×5 35 एक अंक बाद में दशमलव लगेगा तो 0.5 44×0.5 5×20 20×22 22.0 यानी कि 22 सेंटीमीटर क्या होगी इसकी परिधि। इसके बाद इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 22/7×3.5×3.5 7×35.5 22×0.5×3.5 22×10^10 11×3.5 35×35 35×5 8 3 और 35 × 3 38 38.5 वर्ग सेमी ये क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया त्रिज्या देता है और त्रिज्या के द्वारा हमें परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 एक वर्ग की परिधि कितनी है 44 मीटर और वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है इसमें वर्ग की परिधि बराबर 44 मीटर और हमें ज्ञात करना है वर्ग का क्षेत्रफल। अब आपको मैंने बताया कि हमें क्षेत्रफल इसमें क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वृत्त की त्रिज्या की आवश्यकता है। त्रिज्या हमारे पास दी हुई नहीं है। अब त्रिज्या ज्ञात करेंगे पहले और त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास प्रश्न में दिया हुआ है वृत्त की परिधि। क्या दिया हुआ है वृत्त की परिधि दिया हुआ है और इस परिधि के द्वारा
वर्त का क्षेत्रफल को वर्त की त्रिज्या ज्ञात करेंगे और त्रिज्या के द्वारा वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो ये प्रश्न हमारे पास आया है, उदाहरण मैंने बताया था कि अगर परिधि दी हुई है तो परिधि का सूत्र लगा करके इसकी जो विमाएं पूछ रहा है त्रिज्या व्यास वो ज्ञात करना है, क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्षेत्रफल का सूत्र लगा करके ज्ञात करना है। तो यहाँ पर वर्त की परिधि बराबर 2πr, वर्त की परिधि बराबर 2πr, तो इसलिए यहां हो जाएगा 2πr बराबर 44। मान रखो 54 वर्ग मीटर, अर्थात जिस वर्ग की परिधि 44 मीटर है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल होगा 154 वर्ग मीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वही प्रश्न आ गया, 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है, इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वही प्रश्न हमारा सेम उदाहरण नंबर 3, पहले हमारे पास 100 चक्रों में तय की गई दूरी, 100 चक्रों में तय की गई दूरी कितनी है, 88 मीटर है। तो यहां पर जब ध्यान देंगे तो 100 चक्रों में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है, तो 100 चक्रों में तय दूरी हमारे पास कितनी है, 88 मीटर है, इसलिए एक चक्कर में तय दूरी कितनी होगी, 88 में 100 का भाग दे दो या 88 मीटर को सेंटीमीटर में बदल दो, तो एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, इसलिए 88 मीटर में 8800 सेंटीमीटर होंगे, 8800 सेंटीमीटर होंगे। इसको 100 से गुणा कर देंगे, 100 चक्रों में तय दूरी 88 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए 88 मीटर में 8800 सेंटीमीटर होंगे। तो एक चक्कर में तय दूरी हो जाएगी हमारे पास 88/0/100, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 88 सेंटीमीटर। अब वही प्रश्न में बताया था शुरुआती वीडियो में, पिछले वीडियो में, कि एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, वर्त की त्रिज्या कहलाती, वो वर्त की परिधि कहलाती है। तो यहां पर वर्त की परिधि क्या हो जाएगी, इसलिए वर्त की परिधि बराबर 88 सेंटीमीटर होगी, तो यहां पर 2πr बराबर 88, 2 × 22 × 7 = 88 / 44 / 7 = 88 /
बटाए वही क्या करेंगे इसमें वज्र गुणा, तो r बराबर 88 गुणा 7 अपॉन 44, 44 से कम 44, 44 गुणा 88, r बराबर 2 गुणा 7 यानी कि 14 सेंटीमीटर इस पहिए की त्रिज्या होगी। पहिए की त्रिज्या कितनी होगी? 14 सेंटीमीटर। इसके बाद तीसरा नगर ये चौथा भाई हमारा चौथा क्वेश्चन है। तीसरे में आपको क्या ज्ञात करना है? तीसरे में जो पीछे रह गया वो है वृत्ताकार प्लाट की त्रिज्या। अर्धवृत्ताकार प्लाट की त्रिज्या कितनी है? 21 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें तीसरा छूट गया। तीसरा बता रहा हूं मैं, एक अर्धवृत्ताकार प्लेट की त्रिज्या, अर्धवृत्ताकार प्लेट की त्रिज्या, अर्धवृत्ताकार प्लाट की त्रिज्या हमारे पास प्रश्न में दी हुई है। कितनी दी हुई है? 21 मीटर है। अब हमें ज्ञात करना है इसमें इसका क्षेत्रफल व परिमाण। तो पहले तो हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सीधा सा है, वृत्त के क्षेत्रफल का क्या करेंगे? 1/2, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 गुणा 22/7 गुणा 21 गुणा 21, 7 किया 21, 2 ये 11 किया 33, 33 गुणा 21, 61/63 हासिल 6, 61/63 और 6 हमारे पास हो जाएगा 6/93 वर्ग मीटर इस अर्धवृत्ताकार प्लाट का क्षेत्रफल होगा। 1/2 गुणा पाई आर स्क्वायर, 1/2 क्यों लगाया है? क्योंकि ये कैसा प्लाट है? अर्धवृत्ताकार प्लाट है और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा पाई आर स्क्वायर। 22/7 21 गुणा 21, 2/7 किया 21, 2/11 11 किया 33, 33 गुणा 21, 61/63, 61/63 और 6/73, 693 वर्ग मीटर। दूसरा इसमें जो प्रश्न ने पूछा हमारे पास कि इसका परिमाप ज्ञात कीजिए, तो यहां पर ध्यान दीजिए परिमाप क्या होगा, कैसे ज्ञात करेंगे? ये हमारे पास अर्धवृत्ताकार क्या है? प्लॉट, ये प्लॉट अर्धवृत्ताकार प्लॉट है। इसकी जो त्रिज्या है हमारी यहां से यहां तक ये 21 मीटर है। अब इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप ज्ञात करने के लिए कैसे हल करेंगे? तो परिमाप का मतलब क्या होता है? किसी आकृति के चारों ओर, किसी आकृति के चारों ओर एक चक्कर में तय की गई दूरी उस आकृति का परिमाप होता है, परिमिति होती है और वृत्त में क्या कहते हैं? परिधि। लेकिन यहां पर हमारे पास इस अर्धवृत्ताकार प्लॉट की परिमाप ज्ञात करने के लिए परिधि नहीं लिखा है, इसमें क्या लिखा है? परिमाप। परिमाप का मतलब है कि जब यहां से हम रवाना हो तो इसकी चारों तरफ क्या लग जाए? एक चक्कर लग जाए। यहां से ऐसे चलेंगे हमारा जो ये जो मेरा मार्ग चल रहा है, तो यहां से यहां आएंगे और वापस इसी जगह पर पहुंच जाएंगे, तो इसका क्या आ जाएगा? परिमाप। अब यहां पर हमारे पास ये परिमाप क्या करने के लिए पहले इसकी क्या निकालेंगे? परिधि। क्या निकालेंगे? परिधि। तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? अर्धवृत्ताकार प्लाट की परिधि प्लस इसका यहां से लेकर के यहां तक का क्या है? ये व्यास। तो ये हो जाएगा व्यास, हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा? इस अर्धवृत्ताकार प्लाट की
तो परिमाप पहले परिधि निकालेंगे, परिधि ज्ञात करने के बाद उसके परिमाप व्यास को भी इसमें जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा परिमाप। परिधि का सूत्र क्या है, 2πr / 2, यानी कि अर्धवृत्त की क्या हो जाएगी πr। कैसे, 2πr वृत्त की परिधि आधा है तो 2 से भाग दे देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, क्या रह जाएगा πr। तो अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र क्या हो जाएगा, πr 22/7 / r हमारे पास है 21, 7 × 21 (62) 66 मीटर। 66 मीटर क्या होगी इसकी परिधि। अब हमें ज्ञात करना है इसका परिमाप, तो परिमाप के लिए क्या लगाएंगे, परिधि प्लस वर्ग का अर्धवर्ग का व्यास, यानी कि 66 + 21 त्रिज्या, 21 और जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा व्यास 6 × 7 = 8 6 × 8 = 10 108 मीटर क्या आएगा इसका परिमाप। समझ में आ गया, मैंने आपको बताया परिधि अलग है परिमाप अलग है इस अर्थ में। क्यों है, क्योंकि परिमाप का मतलब होता है एक चक्कर में तय की गई दूरी। अब हमारे पास ये परिमाप पूछ रहा है और परिमाप पूछ रहा है तो हमें पहले इस अर्धवृत्ताकार प्लाट की क्या निकालेंगे, यहां से यहां तक की परिधि। परिधि ज्ञात करने के बाद इस परिधि में यदि हम यहीं तक छोड़ देते हैं तो हमारे पास ये परिमाप नहीं होता है, ये क्या आती है परिधि आती है। अब हमें ज्ञात करवा रहा है परिमाप, तो परिमाप ज्ञात करने के लिए ये दूरी भी हमारे पास जुड़ेगी और इस दूरी को जोड़ने के लिए ये वर्ग की जो त्रिज्या है ये 21 और 21 में 21 जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या ज्ञात हो जाएगा भाई व्यास। इसलिए इसका जो परिमाप है वो होगा 66 को परिधि, 21 + 21 यानी कि व्यास, 21 त्रिज्या, 21 और जोड़ देंगे 21 × 2 कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी 108 मीटर वृत्त का। इस अर्धवृत्ताकार प्लाट का क्या होगा परिमाप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है। एक वृत्ताकार क्या है प्लेट, देखिएगा ध्यान से, एक वृत्ताकार प्लेट है जिसका क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है, इसकी परिधि ज्ञात कीजिए, इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। तो पहले प्लेट का जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल के द्वारा वर्ग की त्रिज्या ज्ञात करनी है और क्या ज्ञात करनी है, पहले वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी, इस सेमी के द्वारा पहले हमारे पास इसकी त्रिज्या ज्ञात होगी और त्रिज्या ज्ञात करने के बाद इसकी परिधि ज्ञात करना है। तो यहां पर वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र बताओ, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए पाई आर स्क्वायर बराबर 154। पाई का मान 22/7 / आर स्क्वायर बराबर 154, आर स्क्वायर बराबर 154 / 7 / 22 किससे आए, वज्र गुणन से 22/7 = 154, आर स्क्वायर बराबर 7 × 7 = 49, आर बराबर 49 का अंडर रूट, आर अब क्या पूछ रहा है हमें परिधि, बिल्कुल आसान है, 2πr 2×22/7 / 7 / 7 = 22 / 54।
क्या हो जाएगी, वर्ग की परिधि 2πr यानी कि 44 मीटर, ये होगा वर्ग की परिधि। इसके बाद अगले क्वेश्चन जो 5 के बाद है